फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का अदम करार देने के खिलाफ अपीलों का मामला। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाप्त करेगा। इसी पर बात करेंगे। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, आगाह कीजिएगा। जी, 23 अक्टूबर को जस्टिस जावेद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार दिया था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतअद्दिद शिकें जो है उनको भी गैर आइनी करार दिया गया था। जस्टिस जावेद आसिफ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो फैसला दिया था, इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत समेत सीबी ने भी इंटर कोर्ट अपीलें दायर की थी और 23 अक्टूबर का जो फैसला था उसको कल अदम करार देने की इब्तदा की गई थी। तो वफाकी हुकूमत समेत दीगर जो इंटर कोर्ट अपीलें दायर की गई थी वो समाप्त के लिए मुकर्रर हुई हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो कि 13 दिसंबर को इन अपीलों पर समाप्त करेगा। और इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहरुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली नजर और जस्टिस मुशरफ हिलाली शामिल होंगे, जबकि जस्टिस इरफान सादत भी इस 6 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे जो कि सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल को रोकने के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानत आपका।